हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट का, जिसका नाम है मेथड्स टू रिजॉल्व कैश कोहेरेंस। ये कैश कोहेरेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, हम इसको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या मेथड्स होते हैं कैश कोहेरेंस को रिजॉल्व करने के लिए। जैसा कि आपने मेमोरी हायरार्की जब पढ़ी होगी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, तो आपने देखा होगा कि जो मेमोरी हायरार्की होती है उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, तो वहाँ क्या हो रहा है कि ये जो एडजेसेंस लेवल्स हैं मेमोरी के, या फिर सेम लेवल भी है जो मेमोरी हायरार्की का, उसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्यों आ सकती है? क्योंकि जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, हर किसी के पास प्राइवेट कैश होती है और एक डेटा की मल्टीपल कॉपीज होती हैं। तो अगर मान लीजिए एक प्रोसेसर के प्राइवेट कैश में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि बाकी जगह रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, तो क्या होगी, डेटा की इनकंसिस्टेंसी होगी। अब जो शेयर्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उसमें क्या है, सेपरेट कैश दी हुई है। अब क्योंकि ये सेपरेट कैश है तो इसकी क्या होगी, खुद का कुछ डेटा होगा और ऑब्वियसली प्रोसेसर उस डेटा पर क्या करने वाला है, चेंजेस, जिसके कारण क्या आने वाले हैं, इनकंसिस्टेंसी आने वाली है। तो चलिए देखते हैं मेथड्स टू रिजॉल्व दिस इनकंसिस्टेंसी। तो इसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है राइट थ्रू, और जो सेकेंड मेथड हम देखने वाले हैं वो है राइट बैक। पहला है राइट थ्रू और जो सेकेंड मेथड है वो होता है राइट बैक। हम इन दोनों मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट थ्रू मेथड से। राइट थ्रू मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है और ये पॉपुलर मेथड है इन दोनों मेथड्स में कैश का। तो चलिए देखते हैं राइट थ्रू मेथड या राइट थ्रू पॉलिसी में होता क्या है। जो राइट थ्रू है वो बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी पॉलिसी है और बहुत पॉपुलर पॉलिसी भी है कैश को और मेन मेमोरी को अपडेट करने की। तो चलिए देखते हैं ये राइट थ्रू मेथड या राइट थ्रू पॉलिसी होती क्या है। मान लीजिए अगर कोई एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है किसी भी कैश में, तो ये साइमल्टेनियसली कैश में भी और मेन मेमोरी में भी क्या होता है, अपडेट हो जाता है एट द सेम टाइम। कैश में भी होगा और मेन मेमोरी में भी इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा तुरंत के तुरंत। हम उस कॉपी को मेन मेमोरी में भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये जो पॉलिसी होती है ये इंश्योर करती है कि जो भी मॉडिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी, क्विकली या इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कहाँ पर, मेन मेमोरी में। और इससे जो हमारी कैश कॉपीज हैं वो कैसी रहती हैं, कंसिस्टेंट रहती हैं। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो जो मेन मेमोरी होती है जिसको हम रैम भी बोलते हैं, यहाँ पर इसका बेनिफिट ये है कि ये अप्रोच रैम या फिर मेन मेमोरी और कैश में हमेशा सेम इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा। तो मान लीजिए जो इंफॉर्मेशन अदर प्रोसेसर मेन मेमोरी से देखने वाले हैं उनको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि एक कैश में स्टोर्ड है, किसी के प्राइवेट कैश में स्टोर्ड है। अब बात करते हैं कि ये और क्या करता है, तो ये एक हाईएस्ट लेवल प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंसी की। एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पर बाद के लिए कोई भी ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई जो ब्लॉक है वो मॉडिफाई किया हुआ है तो बाद में हमें उसको ट्रैक करने की जरूरत पड़े, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही चेंज हुआ हमने वैसे ही उसको मेन मेमोरी में भी रिफ्लेक्ट करा दिया। तो बाद का सारा झंझट ही खत्म कि हमें क्या करना है, मॉडिफाइड ब्लॉक्स को ट्रैक करना है, जैसा कि हमें राइट बैक में करना पड़ेगा। जब मैं राइट बैक बताऊंगी तो इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल राइट थ्रू में कुछ नहीं है, कैश में कुछ चेंज हुआ एट द सेम टाइम वही मेन मेमोरी में क्या कर दिया, हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये दोनों कैश और मेन मेमोरी या जितनी भी कॉपीज हैं वो सेम डेटा को, कंसिस्टेंट डेटा को क्या करेंगी, होल्ड करेंगी। दूसरी चीज, कुछ भी बाद के लिए ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि हम बाद में ट्रैक कर रहे हैं ब्लॉक्स को कि कौन कौन मॉडिफाई हुआ है। अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो
तो जैसे कि आपको सामने ही दिख रहा है कि जितनी बार यहाँ कैश में चेंजेस हुए, तुरंत के तुरंत हमें क्या करना होगा, मेन मेमोरी को एक्सेस करवा के क्या करना होगा, उसमें भी चेंजेस परफॉर्म करवाने पड़ेंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर हमारे जो मेमोरी एक्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ये राइट बैक पॉलिसी या जो राइट बैक मेथड है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद सेम हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। राइट बैक के केस में क्या होता है, राइट बैक में मान लीजिए कैश में कुछ चेंजेस हुए, एक प्रोसेसर ने कैश में कुछ अपडेट किया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो जो चेंजेस हैं वो केवल कैश में ही होंगे। उस केस में उन चेंजेस को हम तुरंत के तुरंत, हम इमीडिएटली मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट नहीं करवाएंगे, जैसा कि हम कहाँ कर रहे थे, राइट थ्रू के केस में कर रहे थे। यहाँ हम तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करवाते। अब बात आती है तो रिफ्लेक्शन कब करवाते हैं, या फिर जो भी मॉडिफाइड डेटा होता है वो कैश में कब तक रिटेन करना पड़ता है या कब तक वहाँ पे रखते हैं, तो अनटिल और अनलेस जो कैश ब्लॉक है वो हमारा रिप्लेस या फिर एविक्ट नहीं हो जाता कैश ब्लॉक, तक वो जो डेटा चेंज हुआ है वो कैश में ही रहता है। तो ये है हमारा राइट बैक मेथड। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि इनिशियली जो भी हमारे राइट ऑपरेशन हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, केवल कैश में हो रहे हैं। तो इससे जो मेन मेमोरी को एक्सेस करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होगी, राइट की कम होगी, क्योंकि हम बाद के लिए उसको छोड़ के रख रहे हैं। कब तक के लिए, जब तक कि कैश के जो ब्लॉक है वो रिप्लेस या इविक्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज, इससे फायदा क्या है ऐसा करने से, कैश तक ही वो चीज रखने से, जब तक ऐसा नहीं होता जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम राइट थ्रू के केस में देख रहे थे तो जो एक्सेस था मेन मेमोरी का वो ग्रेट नंबर से इम्प्रूव हो रहा था, जिसके कारण हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा था बार बार, और उसके कारण हमारा जो परफॉर्मेंस है वो उतनी बेहतर नहीं हो रही थी। इन दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, कौन कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिपेंड करता है हम किस एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए राइट बैक के एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। तो पहला एडवांटेज यही है कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा मेन मेमोरी को एक्सेस करने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, हम उसको तुरंत के तुरंत एक्सेस नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो हमारा बस ट्रैफिक होता है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो अपडेट होते हैं वो हमारे, हम होल्ड करके रखते हैं, हम एक्यूमुलेट करके रखते हैं, और हम उसको बैचेस में क्या करते हैं, कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट के टाइम पर मेमोरी में राइट करते हैं। इसीलिए जो बस ट्रैफिक है वो भी हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके डिसएडवांटेज की, पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी का रिस्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुरंत वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इस बीच अगर मान लीजिए किसी ने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेटा चेंज आएगा, क्योंकि तुरंत रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उस ब्लॉक को, कैश के ब्लॉक को रिप्लेस और इविक्ट होने तक का। तो इससे हमारा जो इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी वो क्या होगी, रहेगी। दूसरा, यहाँ पर हमको राइट बैक में हमको एडिशनल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि राइट इनवैलिडेशन या फिर हमको कोहेरेंस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। मैं दोनों चीजें आपको बता देती हूँ। या तो हम यहाँ पे कोहेरेंस प्रोटोकॉल्स के मदद से इस रिस्क को रिमूव करने वाले हैं, या फिर हम एक मैकेनिज्म जो कि हमारा होता है राइट इनवैलिडेशन, इन दोनों चीज़ों को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बट क्योंकि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इनकंसिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा को होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें एडिशनल मैकेनिज्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है हमारा राइट बैक का डिसएडवांटेज।